तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम एक प्रॉब्लम आपके साथ बीवीएम में रिजॉल्व करने जा रहे हैं, डेटा सेपरेशन की। हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम कि किस तरीके से उसको हम रिजॉल्व करेंगे। अभिषेक सिंह जी और जुजब जी मेरे साथ है। देखिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट ये है कि मेरे पास जो डेटा है ना इस फॉर्मेट में, नेम, जन्म मास से महीना और इसके नीचे से, लेकिन मुझे चाहिए इस फॉर्मेट कि नेम, मंथ और यहाँ पे से। मतलब मुझे क्या करना होता है कि वन बाय वन मैं यहाँ से इसको पहले कॉपी करूंगा, फिर मैं जनवरी को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, पूरा महीने यहाँ पेस्ट करूंगा। उसके बाद हम यहाँ से इसकी सेल्स को उठाएंगे और सेल्स को उठा के पेस्ट करेंगे। तो ये मुझे हर महीने के लिए करना चाह रहे हैं, तो 12 ही है, हो सकता है ज्यादा हो। तो मैं इसके लिए मैक्रो बनाना चाहता हूँ जो इजीली हमारा एक काम कर। विजुअल बेसिक में जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ मॉड्यूल और फिर यहाँ पे सब कॉपी नाम का मैक्रो क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे इसमें लूप चलाना है और लूप हमें कॉलन बाय चलाना है। तो कितने लूप, कितने हैं कॉलन? 13 है ना, 12 है, 13 हुए। और लेकिन मैं 2 से चल रहा है क्योंकि हर ये तो हर किसी को पेस्ट करना है। ये तो हर किसी को हमें भेजना है, तो 2 से 13 चलाना है। ध्यान देंगे 4i = 2 to 30। यहां पे उसके बाद मैं सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करके और यहां पेस्ट करना चाहता हूं। तो ये तो फिक्स है ना हमारा, या फिक्स ना हो तो ऑटोमेटिक हो तो सिलेक्शन मेथड जो आपका वो लगा लीजिएगा। देंगे यहां पे रेंज ए 2 से A6 डॉट कॉपी और यहां पे रेंज A65000 xlsup.offset 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल करने से पहले एक काम और हमें करना चाहिए, इसको कॉपी कर लेता हूं। इसकी जो रो नंबर है वो R पे हम स्टोर कर लेते हैं डॉट। तो रो नंबर हमने R पे स्टोर कर लिया। तो क्या हुआ, इसको कॉपी करके इसने यहां पे पेस्ट कर दिया, एक प्रॉब्लम तो हमारा रिजॉल्व हो गया। दूसरा, अब इस जैन को उठा के इस पूरे में लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे रेंज, यहां पे रेंज ए, यहां लिखेंगे रेंज ए 65000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस आप डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट
सिलेक्ट, और उसके बाद हम करते हैं रेंज एक्टिव सेल से एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स, क्योंकि यहां पे हमारा ये तो फिक्स है, रो नंबर कॉलम अलग अलग है कि कभी इसका लेना है कभी इसका लेना है कभी इसका लेना है, मंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं यहां पे 1, i डॉट वैल्यू कर देता हूं। तो एक ये ऊपर वाला लाइन, ये ऊपर वाला लाइन क्या करेगा कि ये नीचे से ऊपर जाएगा और एक सेल इधर आएगा, क्योंकि ऑफसेट में हमने 0 रो एंड 1 कॉलम किया हुआ है। उसके बाद एक्टिव सेल से एक्टिव सेल के ऊपर तक जाएगा, मतलब कि जहां सिलेक्शन है इसके ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन मंथ भी सिलेक्ट है इसलिए इसे हमने ऑफसेट लगा दिया कि ऑफसेट से एक सेल नीचे आ जाए, एक सेल नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू जैन जो है जैन कर दी। तो ये जैन लेके ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया। उसके बाद आता है सेल्स, उसके बाद हमें इस सेल की आदवारी आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे रे, यहाँ पे रेंज होगा ना, हाँ रेंज, रेंज में सेल्स पहला नंबर रो एंड आई, नहीं दूसरा नंबर रो होगा, दूसरा नंबर रो एंड आई कॉलम से सेल्स छठा नंबर रो एंड आई कॉलम। रो यहां पे फिक्स है, आपका अलग है तो आप अलग कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कॉपी, कॉपी पेस्ट कहां करना है, तो पेस्ट करना है हमें सी कॉलम में, तो सी और सी के साथ कंबाइन हो आर, क्योंकि हम नेम को पेस्ट करने से पहले उसका जहां नेम पेस्ट हो रहा है उसका रो नंबर हमने आर पे स्टोर कर लिया था, डॉट पेस्ट, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं मैक्रो कॉपी रन, देखा पेश हो गया। तो अभिषेक जी, अजय जी, जोजो जी, इस कोड को देखिए और बताइए कि कहीं भी कोई दिक्कत है आपको। हाँ जी, डेटा रेंज अगर अलग हुआ, अगर ये डेटा रेंज अलग हुआ तो ये आई पे हम लोग कैसे उसको कर लेंगे? जो थर्टीन, आप आपने ये दूसरा वाला रेंज मतलब कि कॉपी करने वाला रेंज, ये आगे हुआ ना, तो इसके नहीं लिए नहीं नहीं ये नेम वाला जो डेटा है वो अगर किसी में कम हुआ किसी में ज्यादा हुआ, कि उसका एक अलग और सिलेक्शन मेथड ने बताया नहीं है ना आपको, वो फीचर अपना लेंगे, एंड बिंदु वाला ऊपर से नीचे आ जाएंगे, तो नीचे से ऊपर चले जाएंगे। ओके okay।
बोला है ना कि अगर रेंज फिक्स है यहाँ पे, अगर रेंज आपका अलग अलग है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा रेंज, डेटा सिलेक्शन मेथड पे जो मैं बताया था वो चीज। अब यहाँ पे मैं देता हूँ रेंज। हाँ सर, बोलिए। थर्ड नंबर रियल सेल्स 2 आई और सेल्स 6 आई। नहीं समझा आपका बोलना है। ये अभी सर जो मतलब हमने आगे कर दिया रेंज एक्स एफ डी से लेफ्ट की तरफ आओ, उसकी कॉल नंबर ले लो। अब बोले क्या बोल रहे हैं अजय जी? तो नीचे से थर्ड नंबर लाइन है ना, नेक्स्ट आई से थर्ड नंबर लाइन, रेंज सेल्स 2 आई और रेंज सेल्स 6 आई डॉट कॉपी। सर इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये टू सेल्स टू और हमने बोला यहां से देखिए, यहां बता रहा आपको, हमने बोला दूसरे नंबर रो से छठे नंबर रो तक का डेटा कॉपी कर लो, ठीक है सर। और कॉलन आई दिया, क्योंकि हमें कभी कभी फिक्स कॉलम नहीं है ना कि हमें इस पे कॉपी करना है, अगली बार इस पे करना है, अगली बार इस पे करना है, अगली बार इस पे करना है। तो ये आई पे जो नंबर स्टोर हो रहा है उसको हमने एज ए कॉलम नंबर स्टोर कर लिया। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। अब समझ में आ गया तो मेरे पास अगला जो कॉलम ये है कि इसी का कॉपी है, कि हमने इसी के डेटा को कॉपी करके यहां पे रखा हुआ है, मुझे वापस जो है सेपरेट करना है। समझे कि यहां पे ये आपका, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे जैन को कॉपी करना है, और यहाँ पे जैन का डेटा रखना है। ठीक है, जैन का डेटा को कॉपी करना है, फिर अगेन फायर मार्च इस तरह। मजे सर, गुड आउट इसमें अभिषेक जी, अजय जी, रजत जी। नहीं सर, कोई डाउट। हाँ तो इसको करके मुझे भेजिए, तभी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर वो इमेज वाला जो कल आपसे बात हुई थी ना, एक क्या इमेज मतलब? मतलब सर एक इमेज है फाइल पे, वो सेंटर में मतलब रहे, मतलब हर किसी मल्टीपल सीट्स है सर एक, वो मतलब वर्कबुक में, तो वो हर किसी की सीट के सेंटर में रहे। किसी के सीट के सेंटर में रहे। और वो ऑलरेडी उस सीट में है इमेज सर, मतलब कहीं से इंसर्ट नहीं करवानी। बाय डिफॉल्ट सेटिंग से हो जाएगा।